बच्चों, सीएलइंस के सीबीएसई स्कूल चिक्कोड़ी कक्षा सातवीं में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आशा करती हूँ कि आप सब लोग ठीक और स्वस्थ हो। ठीक है, तो आज के इस कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं बच्चों व्याकरण विभाग से चित्र वर्णन। अब ये चित्र वर्णन क्या होता है, चित्र वर्णन क्या करना है, परीक्षा में पाँच मास के लिए रचना विभाग से आपको एक प्रश्न आता है, वहाँ पर एक चित्र दिया जाता है और उस चित्र को आपको क्या करना होता है, देखकर आपके शब्दों में आपको लिखना होता है। और चित्र वर्णन एक ऐसी कला है जिसके द्वारा हम अपने मन के भाव को व्यक्त कर सकते हैं। हमारे मन में उस चित्र को देखकर जो भी भाव आते हैं वो हम लिख सकते हैं। किसी चित्र को देखकर हमारे मन में जो भाव उठते हैं उसे हमें क्या करना होता है, लिखकर प्रकट करना होता है। समझ में आया? तो चित्र वर्णन का अर्थ क्या होता है, किसी चित्र को देखकर हमारे मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं यानी कि जो विचार हमारे मन में आते हैं उन्हें लिखकर प्रकट करना। ठीक है, समझ में आया? उसे हम क्या कहते हैं, चित्र वर्णन कहते हैं। अब चित्र वर्णन करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। अब वो बातें कौन कौन सी हैं, देखिए, सबसे पहले चित्र को अच्छी तरह से देखकर समझना चाहिए कि वह किसके बारे में है तथा उससे क्या जानकारी मिल रही है। जो चित्र आपको दिया जाता है उस चित्र को आपको क्या करना है, अच्छी तरह से समझना है। कौन सा चित्र है, हाँ, इससे हम क्या बोध ले सकते हैं, हाँ, मतलब दिख रहा है वहाँ पर क्या, कुछ मतलब घर होते हैं, कुछ लड़के खेल रहे होते हैं, हाँ, मतलब जो भी कोई भी काम क्या कर रहा है वो कौन सा चित्र है। फॉर एग्जांपल आप बोल सकते हैं कि निसर्ग चित्र हो, हाँ, कोई फैक्ट्री का चित्र हो, जल प्रदूषण वायु प्रदूषण का चित्र हो, है ना, उसमें से आपको समझना चाहिए कि ये चित्र किसका है, हाँ, तभी आप क्या कर सकते हो, उसके बारे में लिख सकते हो। दूसरा पॉइंट आता है, देखिए, चित्र वर्णन के लिए निर्धारित शब्द सीमा को ध्यान में रखकर ही चित्र का वर्णन करना चाहिए। प्रश्न आता है चित्र वर्णन का पाँच मास के लिए, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको पाँच वाक्य लिखें तो भी आपको वहाँ पर मार्क्स आ सकते हैं बच्चों, लेकिन वो वाक्य जो होते हैं वो सार्थक होने चाहिए, हाँ, कैसे भी अस्त व्यस्त आपको वहाँ पर नहीं लिखना है और शब्द निर्धारित यानी कि कम शब्दों में आपको वो चित्र का वर्णन करना चाहिए। ठीक है, अगला पॉइंट है चित्र के भाव को समझकर ही लेखन करना, यानी कि चित्र के भाव, चित्र मतलब मैंने बोला कि चित्र कैसा है, पहले चित्र को समझना चाहिए कि ये चित्र कौन सा है। अभी मैंने बोला कि फॉर एग्जांपल जल प्रदूषण का हो सकता है, वायु प्रदूषण का हो सकता है, किसी निसर्ग चित्र हो सकता है, कोई एक थीम होता है उस थीम के बारे में वहाँ पर दिया जाता है, जैसे कि स्वतंत्र भारत, या तो 15 अगस्त, ऐसे इंडिपेंडेंस डे के बारे में पूछा जा सकता है, किसी नेता का चित्र हो सकता है, या उसके आजू बाजू जो लोग हैं वहाँ पर, मतलब ऐसे कोई भी चित्र वहाँ पर प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन हमें क्या करना है, वहाँ पर उस चित्र के मुख्य भाव को समझकर लेखन करना है। ठीक है, अगला पॉइंट है चित्र का भाव शुरुआत में ही लिखना, वो चित्र कौन सा है, वो चित्र कौन सा है उसे हमें क्या करना है, शुरुआत में ही लिखना है। ठीक है, अगला पॉइंट है चित्र के बोध को अंत में अवश्य लिखना, उस चित्र का वर्णन करने के बाद उस चित्र से जो बोध मिलता है उस बोध को हमें अवश्य लिखना चाहिए। ठीक है, और सबसे अंतिम पॉइंट जो है चित्र के बारे में लिखते समय उसकी भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए, सिंपल वर्ड्स में आपको लिखना है। समझ में आ रहा है, चित्र को देखकर जो भी हम वाक्य बनाएंगे वो सिंपल होने चाहिए, सरल होने चाहिए, हाँ, कन्फ्यूज वाले शब्द वहाँ पर नहीं डालना चाहिए, सरलता होनी चाहिए उसमें। ठीक है, अब यहाँ पर एक एग्जांपल आपको दे रही हूँ मैं, चित्र आपको दिख रहा है, हाँ, इस चित्र में क्या क्या है, फैक्ट्री है, फैक्ट्री का जो पानी है वो क्या कर रहा है, नदी में आ रहा है, कुत्ता है,
कोई एक व्यक्ति कपड़े धो रहा है, एक लड़का भैंस धो रहा है, मतलब कुल मिलाकर ये चित्र किसका है बच्चों, किसका है, जल प्रदूषण का है। अब इस चित्र को देखकर आप किस प्रकार से वाक्य बनाएंगे, तो देखिए यहाँ पर मैंने लिखे हैं, प्रस्तुत चित्र में जल प्रदूषण की स्थिति को दिखाया गया है, यानी कि मैंने कहा कि चित्र का जो भाव है उसे हमें कब लिखना है, शुरुआत में यानी कि प्रारंभ में ही लिखना है। तो ये चित्र किसका है, जल प्रदूषण की स्थिति को दिखा रहा है। हम जानते हैं कि जल के बिना हमारा जीवन अधूरा है ना। हम क्या समझते हैं इसमें, हमारा जो जीवन है वो जल के बिना अधूरा है। अब यहाँ से आगे इस चित्र में हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है, इस चित्र में हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है। सबसे पहले इस चित्र में एक व्यक्ति नदी में कपड़े धो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो व्यक्ति है वो क्या कर रहे हैं, ये व्यक्ति नदी में कपड़े धो रहा है जिससे जल प्रदूषण हो रहा है, ठीक है। दूसरा वाक्य, एक लड़का भैंस को नदी में नहला रहा है जिससे जल प्रदूषित हो रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये जो लड़का है वो क्या कर रहा है, भैंस को नदी में नहला रहा है, ठीक है, जिससे क्या हो रहा है, नदी में जल प्रदूषण हो रहा है। उसी के साथ साथ एक कुत्ता जो है वो किनारे खड़ा है, यहाँ पर जो कुत्ता है वो कुत्ता किनारे पर खड़ा है, कहाँ खड़ा है, नदी के किनारे पर खड़ा है। और आप यहाँ पर देखिए ये जो फैक्ट्री है, जो कारखाने हैं, उसका जो जल है, जो प्रदूषित जल है वो कहाँ पर छोड़ा जा रहा है बच्चों, यहाँ पर नदी में ही छोड़ा जा रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है। पहला, एक व्यक्ति क्या कर रहा है, नदी में कपड़े धो रहा है। देखिए पहला वाक्य हम क्या करेंगे, उसके भाव को, यानी कि चित्र किसके ऊपर है, ये चित्र जल प्रदूषण का है, या तो आप इस प्रकार भी लिख सकते हो, ये चित्र जल प्रदूषण की स्थिति को दिखा रहा है, या इस चित्र में जल प्रदूषण की स्थिति को दिखाया गया है, ठीक है। पूरा ओवरऑल जो चित्र है वो किसका है, जल प्रदूषण का, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए पहला वाक्य हम बनाएंगे, इस चित्र में एक व्यक्ति नदी में कपड़े धो रहा है। इस चित्र में पहला वाक्य जो होगा हमारा, इस चित्र में क्या दिख रहा है, एक व्यक्ति नदी में कपड़े धो रहा है, ठीक है। दूसरा वाक्य, एक लड़का जो है भैंस को नदी में नहला रहा है, एक लड़का भैंस को नदी में नहला रहा है। तीसरा वाक्य, यहाँ पर हम और क्या देख रहे हैं, ये जो कुत्ता है वो कुत्ता कहाँ पर खड़ा है, किनारे पर खड़ा है, कुत्ता कहाँ पर खड़ा है, किनारे पर खड़ा है। चौथा वाक्य हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि कारखाने का जो जल है, कारखाने का प्रदूषित जल, कारखाने का प्रदूषित जल जो है वो नदी में छोड़ा जा रहा है, इससे क्या होता है, जल प्रदूषित होता है, समझ में आया बच्चों। और हमें क्या करना है, जल को प्रदूषित होने से बचाना है। इसका बोध अंत में हम क्या लिखेंगे, चित्र के बारे में लिखते समय हमें जो बोध मिलता है वो हमें क्या करना है, सबसे अंत में लिखना है, अतः हमें जल प्रदूषित होने से बचाना है, ये बोध हमें मिलता है, ठीक है। इतना सारा जल प्रदूषण हो रहा है तो ये सब हमें उस नदी में करना देना चाहिए क्या, नहीं। हमें बोध क्या मिलता है, हमें जल प्रदूषित होने से बचाना है। तो इतना सिर्फ आप लिखे तो आपको 5 अंक आ जाते हैं बच्चों, ठीक है बच्चों। तो इसी के साथ आपको एक मैं चित्र यहाँ पर दे रही हूँ, ये चित्र देखिए, इस चित्र से आप क्या समझते हो, यहाँ पर क्या है तो इस चित्र, ये आपका होमवर्क है बच्चों, इस चित्र को देखकर 5 वाक्य आपको बनाने हैं, ठीक है। अंत में इसका बोध आपको लिखना है और ये चित्र किसका है ये भी आपको शुरुआत में लिखना है, ठीक है बच्चों। तो आशा करती हूँ कि चित्र वर्णन यानी पिक्चर
डिस्क्रिप्शन आपको समझ में आया होगा। हाँ, तो ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों, और चित्र वर्णन आपको करना आना ही चाहिए, ठीक है। और ये जो होमवर्क मैंने दिया है उसे पूरा कर कर मुझे आपको जल्द से जल्द भेजना है। होमवर्क है तो आज मैंने दिया है, तो इसका होमवर्क मुझे कल तक आना ही चाहिए, ठीक है बच्चों। इसी के साथ आज की ये कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।